वेलकम टू प्रॉपर्टी 105। 5 मरला डबल स्टोरी बहुत खूबसूरत घर, वो भी कॉर्नर का और फेसिंग कमर्शियल। फेसिंग जी ये कमर्शियल है, कॉर्नर का ये घर है, बहुत खूबसूरत और बेहद बेहतरीन। फुली कारपेटेड रोड आपको नज़र आएंगे, ये सामने आपको बाबर ब्लॉक नज़र आ रहा है। इस टाइम मैं मुगल ब्लॉक में खड़ा हुआ हूँ और सोसाइटी का नाम है ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी। फुली कारपेटेड रोड है, स्ट्रीट लाइट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है जी। और घर का आप एलिवेशन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो जी सबसे पहले आपने देख लिया है। अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर आपको मिलेगा बड़ी गाड़ी का गैराज। अंदर आप जाते हैं तो आप बड़ी गाड़ी ईजिली अंदर खड़ी कर सकते हैं। टाइल पत्थर और मार्बल का बहुत खूबसूरत काम किया गया है। और ये देखें जी, बड़ा गैराज आपको मिलता है, यहाँ पे आप बड़ी गाड़ी ईजिली खड़ी कर सकते हैं। घर भी डबल यूनिट घर है, आप ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं, जो 20-25,000 ईजिली इसका रेंट आ जाया करेगा एक सिंगल पोर्शन का। आप देख सकते हैं जी, इसकी दीवार के अंदर ग्रीनरी के साथ डिकोर किया गया है। स्टार्टिंग में आपको पाउडर रूम मिल जाता है, पाउडर रूम मिल जाएगा। उसके अलावा ये इसका ड्राइंग रूम का जी आप देख सकते हैं दरवाज़ा है, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और ये ऊपर को रास्ता जा रहा है। अंदर चलते हैं जी, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको रात के लाइट स्टोन्स इंस्टॉल की गई हैं फर्स्ट ईयर स्टेप पे। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइट कलर का मार्बल नज़र आएगा, सेमी वुडन के जी आपको दरवाजे नज़र आएंगे, और ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिलेंगे विद अटैच बाथ। ये इसका जी ड्राइंग रूम है, इसका ये डोर सेपरेट रखा गया है ताकि आप प्राइवेसी का भी अपना ख्याल रख सकें। और इसकी आप देखें सामने, बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक है। यहाँ से कॉर्नर के क्योंकि घर है, आप बाहर से इसको ईजीली देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन सोसाइटी ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी, जो कि LDA से अप्रूव सोसाइटी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, आपको लेकर चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी, ये इसका किचन है। ग्राउंड फ्लोर का आपको किचन मिल जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से उसको मॉडरेट किया गया है। कंट्रास्ट में आपको यहाँ पर ये आपकी इसका टाइल फ्लोर मिलेगा, सामने आपको मिलेगी वेंटिलेशन, बड़ी ज़बरदस्त वेंटिलेशन लगी गई है। बड़े आपको कमरे यहाँ मिलेंगे, कोई भी कंजेस्टेड कमरा यहीं नहीं है। इसका फर्स्ट बेडरूम है जी, ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी सीलिंग है। 2 पल्लों वाली वॉलड्रॉप आपको मिलती है। यहाँ से जी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ दोबारा कि जो गैराज है इसका किस एंगल से आपको नज़रिए देखें। गैराज आपको बड़ी गाड़ी का मिलता है, और अब आपको ये आप देखें कि टाइल पत्थर और सीलिंग बहुत खूबसूरत काम किया गया घर के अंदर। घर बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला है जी, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको इसकी प्राइस भी बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर आपको बहुत खूबसूरत सीलिंग मिल जाती है, और साथ ही साथ जो से सीलिंग के आपको इस वॉशरूम अटैच बाथ इसके साथ इस रूम के साथ मिलता है। ड्राइंग रूम जी आपने देखा है, ड्राइंग रूम बड़ा आपको यहाँ पे गैराज मिलता है, ड्राइंग रूम मिलता है, 2 बेडरूम मिलते हैं, किचन मिलता है, स्टार्टिंग में आपको पाउडर रूम मिलेगा। अब आपको जी फर्स्ट फ्लोर पर लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप सीढ़ियाँ देख लें जी, बड़े स्टेप्स हैं, जो छोटे छोटे बारीक से स्टेप होते हैं वो नहीं रखे गए, बड़े स्टेप रखे गए हैं जिस पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। इसके ऊपर भी सीलिंग का काम किया गया, बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक, और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर इस पे पत्थर का काम हुआ है। ये इसका जी फर्स्ट फ्लोर है, जिस पे आपको 3 बेडरूम मिलेंगे, सेपरेट किचन मिलेगा और बालकनी मिलेगी। सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ जी, ये सामने बालकनी और किचन है, ये भी दिखाता हूँ आपको। ये इसका जी इस घर का 3rd बेडरूम आ जाता है, ये 3rd बेडरूम है इस घर का। ऊपर आप सीलिंग देख सकते हैं, बहुत शानदार और बेहतरीन सीलिंग की गई है, और यहाँ पर आपको इसकी वेंटिलेशन मिलती है। साथ ही इसका इस घर का 4th बेडरूम आ जाता है, ये आपको इसकी सीलिंग और ये डिज़ाइन, 7 पल्लों वाली वॉलड्रॉप आपको मिलती है विद अटैच बाथ। और अटैच बाथ भी आप इसका, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये इसका जी अटैच बाथ है। यहाँ पे आपको कमोड की ऑप्शन मिलेगी, और यहाँ पे भी टाइल पत्थर का कम्प्लीट वर्क जो है वो मुकम्मल किया गया है। बड़े खूबसूरत दरवाजे रखे गए हैं, टाइल फ्लोरिंग बहुत बेहतरीन की गई है। ये इस घर का 5th बेडरूम आ जाता है, 5वां बेडरूम है जी इस घर का। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिलेंगे, और ये इसका अटैच बाथ है। यहाँ पे आपको सीट की ऑप्शन मिलेगी, और आप देख सकते हैं टाइल पत्थर यहाँ भी कंप्लीट है। 3 बेडरूम है जी फर्स्ट फ्लोर पे, 2 बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे, टाइल पत्थर का काम कंप्लीट है, बड़ी गाड़ी का गैराज है, और वो भी घर कॉर्नर का विद आपको फेसिंग कमर्शियल ये मिलता है। ये इसका जी किचन है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन किचन भी आपको मिला, किचन भी आपको बड़ा मिल रहा है, कंजेस्टेड नहीं है। यहाँ पे लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वॉशेबल जो सा सिंक में आजकल लगे होते हैं वो वाला लगा हुआ, बड़ा ज़बरदस्त है ये भी। उसके बाद यहाँ पे जी ये आपको मिल जाती है बालकनी, यहाँ पे आप चेयर्स रख के बैठ सकते हैं।
अच्छा मौसम हो तो आपको एक बड़ा बेहतरीन यहाँ से व्यू नज़र आएगा। ये पास ही गार्ड है जी, और सोसाइटी में बेहतरीन लोकेशन पे बेहतरीन आपको एक घर मिलता है। इसके अब जी रूफ पे आपको लेके जाता हूँ। इसका आपको ऊपर स्टोर रूम मिलेगा, स्टोर रूम भी आपको बड़े साइज़ का स्टोर रूम मिलेगा, और उसके अलावा जो सी है छत भी आपको मैं दिखाता था। ये आप देख सकते हैं जी, बड़े साइज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टोर रूम, जहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्रा या स्पेयर चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ये देखें, इसके बाद जी आ जाती है हम छत पे। अब आ गए हैं, थोड़ा मैं आपको सोसाइटी का यहाँ से व्यू भी दिखा देता हूँ। ईस्टर्न हाउसिंग सोसाइटी के दो सबसे डेवलप ब्लॉक हैं, एक बाबर ब्लॉक और एक मुगल ब्लॉक। ये घर आपको मुगल ब्लॉक में मिलेगा, एंट्रेंस पे सामने आपको ये घर नज़र आएगा। ये जो आपको प्लाजा नज़र आ रहा है जी, कमर्शियल प्लाजे हैं। ये 6 प्लाजे बनने हैं कमर्शियल, और सामने छोटे 2 बन गए हैं, 4 और बनने हैं अभी। 6 बड़े और 6 छोटे कमर्शियल प्लाजे बनने हैं। उसके सामने कॉर्नर का ये घर है, बेहतरीन काम के साथ बड़ा बेस्ट ऑप्शन है ये। इस घर को परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। घर का जी मैंने आपको विज़िट करवाया है, 1,96,00,000 रुपये इसकी डिमांड है, 1,96,00,000, 1,96,00,000 रुपये इसकी डिमांड है, जो कि टोकन पे निगोशिएबल होगा। घर को जी परचेज़ करने के लिए आप दिए गए नंबर पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप सोसाइटी का कंप्लीट विज़िट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पूरी सोसाइटी भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।